एक्चुअली मतलब ऐसा कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, मतलब लोगों के लिए भी कहना चाहता हूँ कि सबसे सबसे पहले तो मैं सबको शुक्रिया कहना चाहता हूँ, मतलब जिन्होंने भी मुझे प्यार दिया, सपोर्ट किया, सबको मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ सबसे पहले। एंड दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार बातें करो, मतलब बातें करो इन द सेंस मुझसे नहीं, बातें करो आपस में। ये दुनिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है फिलहाल की कोई बात नहीं करता किसी भी चीज के बारे में। सो मैं यही कहना चाहता हूँ, एक बार मैंने शो पे भी कहा ये बात और मैं यहाँ पे भी कहना चाहता हूँ कि बातें करो प्लीज, आपस में कुछ भी हो बस बातें करो, ये मेरा मैसेज है सबको मेरी तरफ से। और सर आप अपनी जर्नी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, इस जर्नी इतनी डिफिकल्ट जर्नी रही, काफी हार्ड कोर रैपर थे, तो इतनी कुछ अगर आप बता सके इस जर्नी में। लाइक हार्ड कोर मैं ना ये मानता हूँ कि हार्ड कोर रैपर लाइक हार्ड ऐसा कुछ नहीं होता, एक इमोशन होता, हार्ड भी एक इमोशन है, सॉफ्ट भी एक इमोशन है, काम पीस एंगर ये सब इमोशंस है, कोई सॉफ्ट हो सकता है कोई हार्ड हो सकता है, कोई काम हो सकता है कोई एंग्री हो सकता है। सो हर तरह के इमोशंस है और हर तरह के रैपर्स है, हर तरह का आर्टिस्ट मिलेंगे आप लोगों को। सो ऐसा मतलब हार्ड कुछ नहीं है, बस वही है कि जो सिचुएशन है जो मोमेंट है उसमें जो इमोशन है वही है। सो मेरे लिए ये था कि सब अच्छे रैपर्स थे, अच्छे आर्टिस्ट थे सब, एंड सबके साथ कल्चर शेयर करने वाला बहुत मजा आया मेरे को, लाइक सबसे बहुत कुछ सीखने को मिला और कुछ लोगों की हेल्प करने में मजा आया। सो या इट वाज अ लाइक फैमिली जब हम वहां पे थे, सो सब अच्छा रहा। आगे की क्या प्लानिंग है, किस तरह का रैपिंग करने का इरादा है, या कोई सॉन्ग सिंगिंग की करियर में भी आप देखेंगे? यार लाइक गाने बनाने बेसिकली, बेसिकली गाने बनाने, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि रैपिंग भी सिंगिंग भी सब कुछ करना है। एंड आगे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले, मेरे खुद के चैनल पे आने वाले हैं, कुछ स्पॉटिफाई पे आने वाले हैं, कुछ लेबल्स पे भी आएंगे आई एम डैम श्योर। सो अच्छा अच्छा काम आने वाला है, कुछ रिकॉर्डेड पड़े हैं ऑलरेडी एंड कुछ रिकॉर्ड करने हैं मतलब यहाँ से जाके। सो बहुत सारा काम आने वाला है, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड, सुनते रहे मुझे, थैंक यू सो मच। शुरुआत मेरी शुरुआत या फिर हसल वाली शुरुआत, मेरी शुरुआत हुई है, मैं हरियाणा के पलवल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। सो हाँ मैं रैप करता हूँ, नहीं मतलब ऐसा है कि सही बात है, नहीं ऐसा है कि मतलब गांव में ना आर्ट के नाम पे मतलब राग नहीं था और बहुत अच्छी आर्ट है, मतलब वो भी एक फोक जॉनर हमारे यहाँ का, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ऐसा पता है रागनी के जो हार्डकोर फैंस है अभी भी रागनी सुनते हैं, मैं खुद रागनी सुनता हूँ एक्चुअली, मैं रागनी की वजह से आया हूँ, मैं तो ये मानूंगा मैं रागनी की वजह से आया हूँ, अगर मेरा इंट्रोडक्शन हुआ ना म्यूजिक से या राइटिंग से, राग हाँ एक्चुअली होता है। सो मेरा इंट्रोडक्शन रागनी की वजह से हुआ, रागनी की वजह से मैंने लिखना स्टार्ट किया था और स्टार्टिंग में मैंने लिखे थे बॉलीवुड के गानों की तर्ज पे, मैं भजन लिखता था रागनी की तरह, भजन लिखता था, मेरी स्टार्टिंग यहाँ से हुई है। सो रागनियों के लिए मैं अटमोस्ट रिस्पेक्ट रखता हूँ अपने मन में, एंड दादा लक्ष्मीचंद जैसे वहां पे राइटर और रागनी गायक हुए हैं। सो नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि रागनी एक्चुअली, हाँ 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 पता है मुझे, पता है मुझे, एंड आई एम श्योर मैं उसे जरूर देखूंगा, लाइक क्योंकि वो नेशनल अवार्ड विनिंग मूवी रही है दादा लक्ष्मीचंद के ऊपर जो बन रही है मूवी, सो मैं जरूर उसे देखना चाहूंगा, लेट्स होप कि वो अच्छी हो। एंड सो लाइक एज सच मैंने ना रैप से डायरेक्ट शुरुआत नहीं करी थी, मैं उससे पहले पोइट्री लिख रहा था, पोएम्स लिख रहा था, मैं गजल्स लिखता था, एंड उसके बाद धीरे 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 मैं रैप में आया। रैप में भी मैंने डायरेक्ट लिखना शुरू नहीं कर दिया था, पहले मैं साइफर्स में जाता था, साइफर्स और बैटल्स जो होती है पहले मैं उसमें जाता था, फ्री वर्स वगैरह होते थे, सो पहले ये सब हुआ था। देन उसके बाद मैंने अपना पहला जो गाना लिखा था रिलीज किया था मैंने 2018 में, हिप हॉप मजहब नाम था उस गाने का, सो वहां से शुरू हुई थी मतलब बेसिकली। आई नो दैट लाइक सबसे बड़ा चैलेंज ना मतलब यही था कि आर्ट को समझाना लोगों को कि ये भी एक आर्ट है, ये समझाना सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, लाइक क्योंकि ऐसा था कि वहां पे लोग ना ये कुछ कुछ लोग कंसर्न भी थे, जो मतलब वेल विशर्स होते हैं वो कंसर्न होते हैं कि आगे कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ऐसे नहीं रह जाएगा, सो वो कंसर्न थे, वो बेसिकली वो दूर करने में क्योंकि प्यार से दूर करने थे ऑब्वियसली वो कंसर्न, ऐसे लड़ गुद के तो करने नहीं थे, सो वो चैलेंज रहा एक बहुत बड़ा मेरे लिए, एंड अभी हो गया वो, सो आई एम हैप्पी फॉर दैट, सभी हैप्पी है। क्या आप एक्टिंग करियर बॉलीवुड में अपना कदम रखने वाले हैं, किसी एक्टिंग फील्ड में नजर आ देखो नहीं का ऑफर आया नहीं एक्चुअली ऐसा नहीं मतलब
ऐसा कुछ नहीं है कि एक्टिंग करना है या नहीं करना है, ये तो आगे की बात रहेगी। देखो क्योंकि फिलहाल तो मुझे ना म्यूजिक से बहुत प्यार है और मैं म्यूजिक को छोड़ना नहीं चाहता कभी भी। म्यूजिक से मैं ज्यादा दिनों तक दूर भी नहीं रह सकता, सो मैं म्यूजिक ही करना चाहूंगा अभी। तो अभी ऐसे के लिए नहीं 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 एक्चुअली अभी तक सोचा नहीं है, बट आगे का कुछ पता नहीं है। आगे का कुछ पता नहीं है। डिनर के बाद कई सारी लड़कियों का ऑफर आया है इंस्टाग्राम पे यार। मैं ना इंस्टाग्राम मैसेजेस ना मैं देख नहीं पा रहा हूँ अभी अपने, क्योंकि बहुत सारी मीटिंग्स चल रही है। बाकी मेरी टीम है जो वही देख रही है मेरी, मतलब इंस्टाग्राम वगैरह हैंडल कर रही है। तो मैं कुछ अभी इसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है इंस्टाग्राम पे। जस्ट ये पता है कि आई एम हैप्पी, जो भी मुझे सुन रहा है आई एम हैप्पी फॉर दैट। यार बिग बॉस अगर मैं जाऊंगा तो फिर मुझे म्यूजिक से मुझे ना फिर म्यूजिक से ब्रेक लेना पड़ेगा और मैं वो नहीं चाहता। लाइक म्यूजिक से ब्रेक नहीं चाहता, मैं म्यूजिक से बहुत प्यार करता हूँ। नहीं 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 एक्चुअली बनाना नहीं नहीं नए नई आर्ट क्रिएट करना, दैट इज द मेन थिंग। तेरी घनी सहेली कुछ तो दुबकारी है, तू बोला तेरी निगाह कर दू मैं खोल करे जो सुन ला तू बोल करे जो हाजर भी दे दी जो विरहा करियो चन्ना मैं हूँ सूदा सा छोरा करू गाम तबला शहर की छोरी ही मेरी ले ले राम राम। सही कहना चाह रहा हूँ, थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरे को सुनाया है, सबको बहुत प्यार। आने वाला आपका यार इस चीज के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है क्योंकि कुछ ऐसा कभी कुछ मीटिंग वगैरह कुछ हुई नहीं है उससे रिलेटेड। लेट्स सी। बाकी राम राम सबको, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। थैंक यू।